इडली वड़ा डोसा पड़ा चूरमे पर भारी और अब है इस बार बेंगलोर की बारी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया है, जहां पर दोस्तों आईपीएल 2022 का 13वां मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, यानी कि एक तरफ से रजवाड़े और दूसरी तरफ से बेंगलोर के चैलेंजर्स। और दोस्तों यहाँ पर इडली वड़ा डोसा जो है वो दाल बाटी चूरमे पर भारी पड़ गया। और दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच राजस्थान वाले आराम से निकाल ले जाएंगे, लेकिन फिर देखने को मिली हमें डीके एंड शाहबाज स्पेशल पारी। जी हाँ, इन दोनों की बदौलत ये मैच जो है वो आरसीबी जीती। और दोस्तों बात करें इस मैच की, तो टॉस जीता था आरसीबी ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 169 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि दोस्तों जॉस बटलर के 2 कैच छूटे थे, और इसके अलावा उन 2 कैच को छूटने के बावजूद जॉस बटलर ने उनका अच्छे से फ़ायदा उठाया, जहाँ पर 47 गेंदों में 70 रन की पारी खेली जिसमें 6 छक्के जड़े थे। इसके अलावा देवदत्त पड़िकल ने 29 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, 2 चौके और 2 छक्के। और आखिर में शिमरॉन हेटमायर ने स्कोर को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया, 31 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, 4 चौके और 2 छक्के। और इसके अलावा गेंदबाजी में आरसीबी की तरफ से बात की जाए तो 1 विकेट हसरंगा को मिला, 1 विकेट हर्षल पटेल को मिला। इसके अलावा आकाशदीप इस मैच में महंगे साबित हुए, इसके अलावा डेविड विली को भी 1 विकेट मिला और मोहम्मद सिराज भी इस मैच में महंगे साबित हुए। वहीं पर दोस्तों 170 रन का टारगेट जो है वो रखा राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलोर के सामने, जहां पर दोस्तों डुप्लेसी और अनुज रावत ने एक शानदार शुरुआत करी टीम को पावर प्ले में। बिना किसी नुकसान के यहाँ पर जो पावर प्ले है उसमें 48 रन बनाए, लेकिन उसके बाद पाप डुप्लेसिस और अनुज रावत जो है वो जल्दी जल्दी आउट हो गए, जहाँ पर आरसीबी के पूर्व गेंदबाज यूजी चहल ने अपने चक्रव्यूह में डुप्लेसी को सबसे पहले फंसाया। और उसके बाद धीरे धीरे पारी जो है वो लड़खड़ाने लगी, जहां पर डुप्लेसी ने 29 बनाए तो वहीं अनुज रावत ने 26 रन बनाए। तो इसके बाद में कोहली 5, डेविड विली 0, शरफीन रदरफोर्ड 5, यानी कि 87/5 स्कोर हो गया था। और अभी भी टीम को जीत के लिए 80 रन चाहिए थे। और दोस्तों उसके बाद शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए, जहां पर दोस्तों इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी, खासकर शाहबाज अहमद ने, जिन्होंने आकर के पारी की तेज तर्रार शुरुआत दी। 26 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, 4 चौके और 3 छक्के जड़े, 173 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करी। और वहीं दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक ने भी 23 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, 7 चौके और 1 छक्का शामिल था, 191 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करी। और इसके बाद हर्षल परपल पटेल ने लगाया विजयी छक्का और 225 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने भी बल्लेबाजी करी। और दोस्तों इसी के साथ आरसीबी जो है वो पॉइंट टेबल में अभी नंबर 6 पर आ चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों अभी आरसीबी का जो अगला मुकाबला होगा वो होगा मुंबई इंडियंस के साथ में, तो आरसीबी अब फॉर्म में आ चुकी है और अगले मैच से तो ग्लेन मैक्सवेल भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से आरसीबी का अगला मैच जाता है। बाकी आपके हिसाब से क्या अगला मैच आरसीबी जीतेगी और उसकी कंपैरिजन वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, सारी चीज़ें क्या आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।